वेलकम टू माई क्लास इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सल प्रोग्राम देर आर नंबर ऑफ स्टेट फंक्शंस गिवन टू आस हेयर ए लिस्ट ऑफ समर वीडियो लेक्चर के अंदर हम एवरेज इफ्स फंक्शन की बात करेंगे इस एवरेज इफ्स फंक्शन के अंदर मैं वाइल्ड कार्ड को यूज़ करूंगा एंड दिस इज सेकेंड पार्ट ऑफ एवरेज इफ्स फंक्शन आइएगा मूव करते हैं एवरेज इफ्स फंक्शन के एग्जाम्पल के ऊपर जहाँ पर हम वाइल्ड कार्ड को यूज़ करेंगे एवरेज इफ्स के फंक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने यहाँ पर एक छोटी सी टेबल को डिज़ाइन कर दिया जिसके अंदर चार कॉलम्स दिए गए हैं द फर्स्ट इज़ आ प्रोडक्ट सेकेंड क्वान्टिटी थर्ड वन इज प्राइस एंड द फोर्थ वन इज अमाउंट आप देखेंगे कि ये वैल्यूज बहुत छोटी सी रखी गई हैं ताकि इन्हें जब एनालाइज करें तो हमें कोई प्रॉब्लम ना आए मैं आपके सामने चार क्राइटेरिया के बेसिस के ऊपर एवरेज इफ्स फंक्शन को टेकअप करूंगा फर्स्ट क्राइटेरिया के अंदर इट एवरेजेस द प्राइस वेन द क्वांटिटी इज ग्रेटर देन टेन एंड द प्रोडक्ट इज नॉट पैपसी यहां पर हमने क्वांटिटी के केस को टेकअप करना है जहां पर क्वांटिटी 10 से ज्यादा है लेकिन उसके अंदर हम पेप्सी को काउंट नहीं करेंगे सो so, इस जगह के ऊपर मैं एवरेज इफ्स फंक्शन को टेकअप कर रहा हूं एवरेज इफ्स द फर्स्ट आर्गूमेंट इज एवरेज रेंज एवरेज रेंज के केस के अंदर प्राइस का मुझे एवरेज निकालना है तो मैंने एवरेज रेंज के अंदर प्राइस की पूरी कंप्लीट रेंज को दे दिया कॉमा द नेक्स्ट इज क्राइटेरिया रेंज क्राइटेरिया रेंज के अंदर मैं क्वांटिटी को टेकअप करना चाहता हूं तो ये मैंने क्वांटिटी को टेकअप कर दिया बी थ्री टू बी इसके बाद हमें क्वांटिटी के अंदर ग्रेटर देन टेन लेना है तो मैं कोटेशन मार्क के अंदर ग्रेटर देन टेन दे रहा हूं द नेक्स्ट इस क्राइटीरिया रेंज टू क्राइटीरिया रेंज टू के अंदर हमें प्रोडक्ट वो लेनी है जो कि पेप्सी नहीं है सो so, प्रोडक्ट का नाम जहाँ पर हमें दिया गया है दिस बिकम्स अवर क्राइटीरिया रेंज दिस इज क्राइटेरिया रेंज टू ए थ्री टू ए नाइन कॉमा डबल कोट के अंदर यहाँ पर हमें देना है नॉट इक्वल टू पेप्सी सो मैं नॉट इक्वल टू का साइन ले रहा हूँ और उसके बाद मैं ये पेप्सी दे रहा हूँ डबल कोट क्लोस पेरेंथेसिस क्लोस आई प्रेस सेंट्रा जैसे ही मैंने एंटरप्रेस किया मेरे पास एक वैल्यू आ गई थर्टी आइएगा चेक करते हैं ये थर्टी वैल्यू कैसे है हमने क्वांटिटी लेनी है दस से ज़्यादा सो so, दस से ज़्यादा क्वांटिटी तो सूप की है और नूडल्स की है लेकिन को हमने टेकअप नहीं करना सूप और नूडल्स के केस के अंदर प्राइस फिफ्टी और टेन है फिफ्टी और टेन इट कम्स टू सिक्सटी सिक्सटी डिवाइडेड बाई टू इट कम्स टू थर्टी जिस पर्टिकुलर फंक्शन को हमने यहाँ पर यूज़ किया वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए राइट right साइड के ऊपर दे रहा हूं नाउ आई मूव ऑन टू द डिस्क्रिप्शन। क्राइटेरिया के अंदर हमें ग्रेटर देन और वाइल्ड कार्ड को यूज करना है डिस्क्रिप्शन में इट एवरेज प्राइस प्राइस इज़ ग्रेटर देन ट्वेंटी एंड द प्रोडक्ट नेम हैज़ पी अल्फाबेट इन इट सो मैं रिजल्ट वाले सेल के अंदर एवरेज इफ्स फंक्शन को टेकअप कर रहा हूं द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज एवरेज रेंज एवरेज के केस के अंदर मैं ये प्राइस को टेकअप करूंगा सी थ्री टू सी नाइन द नेक्स्ट आर्गोमेंट इज क्राइटेरिया रेंज क्राइटेरिया रेंज के अंदर मेरे पास क्राइटेरिया भी प्राइस का है सो so ये मैंने इसको दोबारा से इसको दे दिया सी थ्री टू सी नाइन कॉमा द नेक्स्ट आर्गोमेंट इज क्राइटेरिया वन क्राइटेरिया वन के केस के अंदर मुझे यहाँ पर देना है डबल कोट के अंदर ग्रेटर देन ट्वेंटी डबल कोट क्लोज कॉमा इसके बाद क्राइटीरिया रेंज टू क्राइटीरिया रेंज टू के अंदर मुझे प्रोडक्ट के नाम से रिलेटेड लेना है तो दिस इज माई क्राइटीरिया रेंज टू ए थ्री टू ए नाइन कॉमा हमें इसके अंदर उन प्रोडक्ट्स को लेना है जिसके अंदर पी आता हो तो मैं डबल कोड के अंदर स्टार पी स्टार दे रहा हूँ जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के नाम के अंदर भी पी आता है उसको आप यहां पर टेकअप कर लो डबल कोट क्लोज यहां पे मैंने कोटेशन मार्क को क्लोज कर दिया पेरेंथ्रीज क्लोज आई प्रेस मेरे पास एक वैल्यू आ गई चालीस अब स्टूडेंट देखते हैं कि ये फोर्टी कैसे है इट एवरेज प्राइस वन प्राइस इज ग्रेटर देन ट्वेंटी जहां पर प्राइस बीस से ज्यादा है उसको टेकअप करो बीस से ज्यादा प्राइस सूप के केस के अंदर है बीस से ज्यादा प्राइस पेप्सी के केस के अंदर है और 20 से ज्यादा प्राइस ब्रेड के केस के अंदर है 50 और 30 मैं इन दोनों को कलर दे देता हूं इन दोनों केसेस के अंदर पी भी आता है और प्राइस भी 20 से ज्यादा है प्राइस ब्रेड के अंदर भी 20 से ज्यादा है लेकिन ब्रेड के अंदर पी नहीं आता सो हम उसको इग्नोर कर देंगे फिफ्टी प्लस थर्टी डिवाइड बाई टू इट कम्स टू फोर्टी वी यूज दिस पर्टिकुलर फंक्शन हेयर अब मैं इसको क्लियर कर देता हूं आई मूव ऑन टू द थर्ड क्राइटेरिया थर्ड क्राइटेरिया के अंदर लेस देन एंड वाइल्ड कार्ड को हमने यूज करना है डिस्क्रिप्शन के अंदर इट एवरेज प्राइस वेन प्राइस इज लेस देन फिफ्टीन एंड द प्रोडक्ट नेम हैज ए अल्फाबेट इन इट उन सभी प्रोडक्ट का प्राइस ले लो जो पंद्रह से कम है पंद्रह से कम मैं यहां पर इनको कलर देता हुआ चलूंगा जहां पर भी प्राइस 15 से कम है मैं वो टेकअप कर रहा हूं एंड द प्रोडक्ट नेम हैज ए अल्फाबेट अब देखते हैं ए अल्फाबेट किस किस के अंदर है चॉकलेट में भी है नूडल्स के अंदर नहीं है जब नूडल्स के अंदर नहीं है तो मैं इसको ब्लैंक कर देता हूं इसके बाद सॉल्ट में भी ये है लेकिन बटर में नहीं है तो मैं इसको भी ब्लैंक कर देता हूं इट मीनस के हमारे पास क्राइटेरिया जो फुलफिल हो रहा है दो जगह पर हो रहा है टेन

लेस देन 15 दे रहा हूं डबल कोट क्लोज कॉमा द नेक्स्ट इज क्राइटेरिया रेंज टू क्राइटेरिया रेंज टू के अंदर हमें नेम को टेकअप करना है तो मैंने ये क्राइटेरिया रेंज टू ले ली ए थ्री टू ए नाइन कॉमा इसके अंदर हमें ये कहा गया है प्रोडक्ट के नाम के अंदर ए आना चाहिए तो मैं डबल कोट के अंदर स्टार ए स्टार दे रहा हूं डबल कोट क्लोज पेरेंथेसिस क्लोज स्टूडेंट ध्यान देंगे स्टार एक वाइल्ड कार्ड है स्टार मींस एनी नंबर ऑफ अल्फाबेट्स ए से पहले कुछ भी नंबर ऑफ अल्फाबेट हो सकते हैं ए के बाद का स्टार का मतलब ए के बाद कुछ भी नंबर ऑफ अल्फाबेट्स हो सकते हैं या कोई भी अल्फाबेट हो सकता है कोई भी अल्फाबेट्स आगे हों पीछे हो, लेकिन बीच में ए होना चाहिए आई प्रेस एंटर मैंने जैसे एंटर प्रेस किया मेरे पास एक एवरेज आ गई इलेवन आप देखिएगा हमने ग्रीन सेल तो पहले ही कर दिए टेन और ट्वेल्व ट्वेंटी टू डिवाइड बाई टू इट कम्स टू इलेवन वी मेड यूज ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन हेयर नाउ आई मूव ऑन टू द लास्ट क्राइटीरिया जिसके अंदर हम लेस देन एंड नॉट इक्वल टू को टेकअप करेंगे पहले मैं इनको क्लियर कर देता हूँ अब हम इस रिक्वायरमेंट को टेकअप करेंगे एवरेजेस वेन द अमाउंट इज लेस देन टू हंड्रेड एंड द प्रोडक्ट इज नॉट नूडल्स सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि अमाउंट टू हंड्रेड से कम कहां पर है इनको मैं कलर दे रहा हूं सो दैट इट बिकम्स इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड चार जगह के ऊपर हमारे पास अमाउंट टू हंड्रेड से कम है लेकिन हमारे को एक सेकेंड कंडीशन दी गई है कि ये नूडल्स नहीं होने चाहिए तो मैं ये नूडल्स को यहां पर ब्लैंक कर देता हूं अब मेरे पास यहां पर जो अमाउंट आ गया हंड्रेड सिक्सटी एंड ट्वेंटी आ गया मुझे यहां पर एवरेज इफ्स के फंक्शन को टेकअप करना है एवरेज इफ्स फर्स्ट आर्गूमेंट इस एवरेज रेंज एवरेज रेंज के अंदर मेरे को यहां पर अमाउंट की कंप्लीट एवरेज रेंज को देना है क्राइटेरिया रेंज के अंदर भी मैं अमाउंट की रेंज को ही दूंगा कॉमा क्राइटेरिया वन के अंदर मैंने डबल कोट के अंदर लेस देन 200 दे दिया डबल कोट क्लोज कॉमा इसके बाद क्राइटेरिया टू के केस के अंदर प्रोडक्ट इज नॉट नूडल्स तो मैं यहां पर नेम वाली कैटेगरी को टेकअप कर लूंगा ए थ्री टू ए नाइन यहां पर हमारा क्राइटेरिया टू है डबल कोट के अंदर नॉट इक्वल टू डबल कोट क्लोस पेरेंथेसिस क्लोस आई प्रसेंट्रप देखिएगा हमने इन ग्रीन सेल्स को पहले ही करके वेरीफाई कर दिया था हंड्रेड सिक्सटी वन सिक्सटी और ट्वेंटी वन एटी वन एटी को थ्री से डिवाइड करेंगे तो एवरेज सिक्सटी आ जाएगी वी यूज दिस पर्टिकुलर फंक्शन हेयर यहां पर हमने कुछ लॉजिकल सिंबल्स को भी यूज किया है ग्रेटर देन लेस देन एंड नॉट इक्वल टू उसके साथ साथ हमने वाइल्ड कार्ड का भी इस्तेमाल किया है मैं उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन अब आपके लिए बहुत आसान होगा थैंक यू वेरी मच